आप देख रहे हैं बेसिक कुकिंग विद मंदीप। आज मैं चार ऐसी स्वीट डिश बना रही हूँ जो हर फेस्टिवल भी हम खाते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत कम टाइम में बनती हैं। मैं बना रही हूँ छैना मुर्गी। इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया है, मैंने इसको टुकड़ों में काट लिया है। टुकड़े बहुत ज़्यादा छोटे या बड़े नहीं होने चाहिए। सबसे पहले हमने बनानी है चाशनी, उसके लिए मैंने ये पैन लिया है। अभी छैना मुर्गी बनानी है तो कोशिश करें कि नॉन स्टिक पैन लें, क्योंकि पनीर कई बार चिपकने लग जाता है। 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, 200 ग्राम मैं चीनी ले रही हूँ। एक कप से थोड़ा सा कम मैं पानी डाल रही हूँ। गैस को ऑन कर देते हैं। हमने एक तार वाली चाशनी बनानी है, तार ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। चीनी डिसॉल्व हो चुकी है, अभी हम इसको 3-4 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो चाशनी है हमारी वो गाढ़ी हो जाए और थोड़ी सी तार बनने लग जाए इसकी। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ इलायची पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा टीस्पून से कम है। ये चाशनी हमारी रेडी है। इस तरह से इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, इस तरह से हाथ पे लगाना है। देखिए लंबी तार नहीं बनानी हमने। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर जो हमने काटा है, जो गैस को यहाँ मैंने लो रखा है, और इसको चाशनी में पकाते रहना है और धीरे धीरे नरम हाथों से इनको हिलाते रहना है। इस तरह से चलाना छोड़ना नहीं है, कई बार वे चिपक जाते हैं। और तब तक पकाना है जब तक जो चीनी है हमारी जमने वाली स्टेज पे नहीं आ जाती। वो आपको पता चल जाएगा जब आप इसको पहली बार बनाएंगे, जो चीनी है वो जमना शुरू हो गई है। देखिए इस तरह से करके आपको पता चल जाएगा कि वो जमने वाली स्टेज में आने लग गई है। अभी हमने गैस को कर देना है बंद, इसको नीचे उतार लेते हैं। देखिए इसको मैंने गैस से उतार लिया है, आपको पता चल जाएगा चीनी जमना शुरू हो जाती है। इसको इस तरह से हिलाते रहना है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, तब तक चलाना है जब तक चीनी जो है जम ना जाए। अगर आप नहीं चलाएंगे तो कोटिंग नहीं होगी चीनी की पनीर के ऊपर। ठंडी होके जमनी शुरू हो गई है, बस हमने इसको चलाते रहना है नरम हाथों से, ताकि जो पनीर के टुकड़े हैं वो टूटे ना। चीनी की कोटिंग अच्छे से हो गई है। इस रेसिपी को बनाने में मुझे सिर्फ 10 से 12 मिनट लगे हैं बस। चलिए छैने को निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं, जो चीनी बच गई है हम उसको चाय में यूज़ कर सकते हैं या फिर दोबारा से मिठाई बनाने में यूज़ कर सकते हैं। देखिए छैना मुर्गी हमारी रेडी है। अभी मैं बना रही हूँ सभी की फेवरेट काजू बर्फी, और बहुत ही इजी रेसिपी है। बस थोड़ी सी ट्रिक्स का ध्यान रखना है, बस थोड़ा मेजरमेंट का इसमें ध्यान रखा जाता है। यहाँ मैंने एक कटोरी काजू लिए हैं, ये मैंने कप से नापा है, एक कप काजू है ये। हमने इसको मिक्सी में पीस लेना है, काजुओं को हमने पीस लेना है। पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इतना ज़्यादा पीसना नहीं है कि इनमें से तेल निकल आए, हमने सिर्फ इनका पाउडर बनाना है। काजू मैंने पीस लिए हैं, पर इसमें बहुत छोटे छोटे काजुओं के टुकड़े हैं, तो हम इसको छान लेंगे, जो बच जाएगा हम दोबारा से उसको पीस लेंगे। देखिए काजू को मैंने छननी से छान लिया है, क्योंकि बहुत मोटे मोटे काजू आ रहे थे। आपने इस तरह का पाउडर बना लेना है। देखिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, काजू बर्फी के लिए हमने चाशनी बनानी है। जितने हमने काजू लेने हैं हमने चीनी उसकी आधी रखनी है। अगर हमने एक कप काजू लिया है तो हमने आधा कप चीनी लेनी है, अगर हमने दो कप काजू लिए हैं तो हमने एक कप चीनी रखनी है। यहाँ मैंने एक कप काजू लिया था तो मैं आधा कप चीनी ले रही हूँ, आधे कप से थोड़ा सा कम मैं पानी ले रही हूँ, क्योंकि पानी ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस मैंने यहाँ मीडियम रखा है, हमने सिर्फ चीनी को डिसॉल्व करना है, हमने कोई एक तार दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इसमें मैं 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा चला देंगे, जैसे ही पानी में इतने सारे बबल्स आने लगे गैस को हम स्लो कर देंगे, जो हमने काजू पीसे हैं वो डालेंगे हम इसमें। मिक्स कर देते हैं इसको, लो फ्लेम पे हमने इसको चलाते रहना है। बहुत सारे हलवाई जो है इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं, अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप 1-2 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें डाल सकते हैं 1 कप में। अगर नहीं डालना चाहते, हम मिल्क पाउडर के बिना बना रहे हैं, तो हम इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। बस इसका एक थिक पेस्ट बना लेना है, इसी तरह से चलाते रहना है। थिक पेस्ट बन गया है और इसने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है। देखिए जैसे ही हमारा डो इस तरह से बनने लगे तो हमने 1 टेबल स्पून यहाँ देसी घी डाल देना है। घी को अच्छे से मिक्स कर देना है पेस्ट में। डो हमारा रेडी है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। जहाँ मैंने प्लेट को ग्रीस कर लिया है, अभी जो हमने डो बनाया है उसको निकाल लेते हैं।
इसको हमने चेक किस तरह से करना है, जे पैन में ही कर लेना है। थोड़ा सा पेस्ट लेके उसको हाथ में इस तरह से रोल करके देखना है, अगर इस तरह से गोली बनती है तो पेस्ट रेडी है। मैं दिखाना भूल गई थी, देखिए इस तरह से इसको ठंडा करना है हमने, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर पापड़ी सी जम जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगती। हमने इसी तरह से चला चला के इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो जम जाएगा। देखिए पेस्ट थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अभी हमने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसको अच्छे से मल लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाए तो ये इस तरह से चिपक जाता है, हमने चिपकने नहीं देना इसको। एक दो मिनट के लिए इस तरह से करना है, अभी ये गर्म है तो हम कर सकते हैं इसको। यहाँ मैंने एक बटर पेपर लिया है, बटर पेपर को हमने ग्रीस कर लेना है, डो को हमने ठंडा नहीं होने देना। डो को हम इस तरह से बटर पेपर के ऊपर रखेंगे, इस तरह से दबा देंगे। अभी हम इसको अच्छे से घी लगा लेंगे ताकि जो डो है हमारा वो चिपके ना जब हम इसको बेलें। इसके ऊपर हम दूसरा बटर पेपर रखेंगे इस तरह से, देखिए। अभी हम बेलन से इसको बेल लेंगे डो को। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कितनी इसकी मोटाई रखना चाहते हैं, पतला रखना चाहते हैं तो इसको पतला रखें, मोटा रखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा कम बेलें। जो काजू कतली होती है वो थोड़ी सी पतली अच्छी लगती है, इसको मैंने बेल लिया है, देखिए इस तरह से। ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, आप चांदी का वर्क लगाना चाहें तो लगा लें, मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं तो फिर लगा सकते हैं आप, कि वर्क मैंने लगा लिया है। अभी हम इसको काट लेंगे, पहले हम साइड निकाल देते हैं इसकी। बर्फ़ी के पीस आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े काट सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने काट लेना इसको। देखिए प्लेटिंग मैंने कर दी है, काजू कतली हमारी रेडी है। अभी मैं बना रही हूँ बालूशाही, बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ, परफेक्ट मेयरमेंट है। अगर आप ये मेयरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपकी बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ मैंने एक कप मैदा लिया है, नहीं है जो मेयरमेंट करनी है एक बर्तन से करनी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप देसी घी, आधा टीस्पून मैं यहाँ बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, 2 पिंच यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो मीठे का बैलेंस है वो बराबर है और ये बेक करने में भी हेल्प करता है, इसलिए थोड़ा सा नमक डालना है हमने 2 पिंच। 1 टीस्पून मैं यहाँ दही डाल रही हूँ, फ्रेश दही है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। चलिए मिक्स कर लेते हैं, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है। इसका आटा हमने जो रोटी का हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड गूंथना है, आटा बिल्कुल स्मूथ नहीं करना हमने, थोड़ा सा हार्ड रखना है। जो मैदा है वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, सॉफ्ट भी है। अभी हमने इसको वैसे ही गूंदना है जैसे हम आटा को गूंथते हैं, इस तरह से पलट पलट के। इससे क्या होता है कि इसकी लेयर बन जाती है, ये देखिए इस तरह से जब हम मोड़ते हैं तो इसकी लेयर बनती है। इसको गूंदने में 8-10 चम्मच पानी लगा है। आटा हमारा रेडी है, अभी हम इसको रेस्ट देंगे 10 मिनट का। आटे के डो को हमने कवर करके रखना है ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना बने। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने का यहाँ सिंपल तरीका ये है कि जितना हमने मैदा लिया है उतनी ही हमने चीनी लेनी है। 1 कप हमने मैदा लिया था, 1 कप मैंने चीनी ली है। जितनी चीनी लेनी है उससे आधा कप हमने पानी डालना है। अगर 1 कप चीनी है तो आधा कप पानी, अगर 2 कप चीनी है तो 1 कप पानी। यहाँ हमने कोई भी एक तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमने चीनी को डिसॉल्व करना है और इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें 2 इलायची डाल रही हूँ, 3-4 धागे मैं इसमें केसर के डाल रही हूँ। जो ऑप्शनल है आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ना डालें, सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं। देखिए चीनी डिसॉल्व हो चुकी है, अभी मैं इसको 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकाऊंगी ताकि जो चाशनी है हमारी थोड़ी थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए। चाशनी हमारी रेडी है, देखिए किस तरह से पता चलेगा, हमने अपने हाथ में लगा के इसको इस तरह से करके देख लेना है। देखिए जैसे लग रहा है जैसे हमने कोई तेल लगाया हो, पर इसकी तार नहीं बननी चाहिए, देखिए तार नहीं बन रही है। 10 मिनट हो गए हैं, अभी हम डो को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसी तरह से करना है ताकि इसकी लेयर बने, इस तरह से। डो हमारा रेडी है, अभी हम इसको तोड़ लेंगे 2 पार्ट में, देखिए इस तरह से हमने इसको रोल कर लेना है ताकि इसकी जो लेयर है वो ऐसे ही रहें।
देखिए रोल हो चुका है, अभी मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। आप जितना साइज बालूशाही का रखना चाहते हैं उतना साइज रख लें, देखिए इस तरह से। चलिए बालूशाही बनाते हैं अभी। देखिए हमने इस तरह से हाथों से इसको रोल कर लेना है। आप इसको जितनी अच्छी तरह से रोल करेंगे जी उतनी अच्छी बनेगी, इसकी लेयर बन जाएगी। अभी देखिए हमने इसमें होल कर देना है। जो इसका होल बनाया जाता है उसको थोड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये बंद हो जाता है। देखिए मैंने सारी बालूशाहियाँ बना ली है, अभी इनको फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, आप देसी घी भी ले सकते हैं। क्यों, तेल को हमने लो फ्लेम पे हल्का गर्म करना है, हमने इसको पूरी तरह से गर्म नहीं करना। थोड़ा सा जो मैंने डो है वो लिया है, इसको छोड़ के देख लेना है। देखिए जो धीरे 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 से ऊपर आएगा, तेल हमारा परफेक्ट है, इससे ज़्यादा हमें गर्म नहीं चाहिए, नहीं तो जो बालूशाही है एकदम से ही पक जाएगी और बीच में से कच्ची रह जाएगी। हमने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी जब पक जाएंगी, जब अपने आप फूल के ऊपर आ जाएंगी, फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तब तक हमने इनको छेड़ना नहीं है। गैस हमने बिल्कुल लो रखना है, बालूशाही पकाने का यही तरीका है कि इसको लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है। देखिए जो फूल के ऊपर आनी शुरू हो गई हैं, अभी भी हमने इनको टच नहीं करना है। 2-3 मिनट के बाद जो नीचे से पक जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम साइड चेंज कर देंगे। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, अभी हम इनको पलट देते हैं। देखिए देखिए कितना बढ़िया कलर है इसका। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत दिनों तक चल जाती है। लो फ्लेम पे हमने इसके दोनों साइड अच्छे से पका लेने हैं ताकि कच्चे ना रहे अंदर से। अभी हम इसको निकाल के सीधा चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए पर गर्म होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो ये टूट जाएंगे, और अगर ठंडी होगी तो इनमें रस नहीं जाएगा। निकाल के सीधा चाशनी में डाल रही हूँ। 3 से 4 मिनट एक साइड इसकी रखेंगे चाशनी में, फिर हम इसको पलट देंगे। 3-4 मिनट हम इसकी दूसरी साइड रखेंगे इस तरह से, जो हमारी बालूशाही है इसमें रस चला जाएगा। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए अभी इसकी साइड चेंज कर देते हैं हम। बिल्कुल नरम हाथों से करना है, क्योंकि जो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं जब हम इसको चाशनी में डालते हैं। देखिए चाशनी में डालने से इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। सिर्फ 2 मिनट हमने इसको रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रस चला गया है, फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए बालूशाहियाँ मैंने निकाल ली, अभी हम इसको गार्निश कर देते हैं पिस्ते के साथ। देखिए बालूशाही हमारी रेडी है। बना रही हूँ स्पंजी रसगुल्ले। यहाँ मैंने बफेलो मिल्क लिया है, ये 1 लीटर दूध है। ये दूध मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। हमने इसके ऊपर मलाई नहीं आने देनी है, नहीं तो फिर हमारे जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। ये दूध बॉयल होने लग गया है, अभी हमने गैस को बंद कर देना है। दूध थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस एकदम से इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर हम गर्म दूध में ये नींबू का रस डालते हैं तो हमारा जो पनीर है बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाता है। पनीर बन गया है हमारा, चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए जो पनीर मैंने निकाल लिया है, पनीर को हमने अच्छे से वॉश कर लेना है 5-7 बार, ताकि जो नींबू का खट्टापन है वो अच्छे से निकल जाए। पनीर को अच्छे से निचोड़ देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और इसको हमने 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट हो गए हैं, अभी खोल के देख रही हूँ मैं इसको। हमने इस तरह से हथेली के साथ मसल मसल के इसको बिल्कुल चिकना कर लेना है आटे की तरह। अभी मैं 1/2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, अगर आपका पनीर ज़्यादा है तो आप 1 चम्मच डाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर को चिकना करने में आपको 2 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी, 7 मिनट भी, ये पनीर पे डिपेंड करता है। आपने थोड़ा सा पनीर लेके एक बॉल बना के देख लेनी है कि उसमें क्रैक्स तो नहीं बन रहे। अगर क्रैक्स बन रहे हैं तो आपका पनीर परफेक्ट नहीं है। अभी हम इसको साइड पे रखते हैं और इसके लिए चाशनी बनाते हैं। जहाँ मैंने एक पैन लिया है, मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। इसमें मैं डालूँगी 5 कटोरी पानी। हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है, हमने इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, 1 तार या 2 तार वाली। गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने लो कर दिया है। जब तक चीनी डिज़ोल्व हो रही है तब तक हम रसगुल्ले के पेड़े बना लेते हैं। रसगुल्लों का साइज़ थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि जब हम इन्हें चाशनी में डालते हैं तो ये फूल जाते हैं। अगर आपको लगेगा ये टूट रहा है तो आप इस तरह से इसको पहले थोड़ा सा दबा लें। इस तरह करने से जो थोड़े क्रैक्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं।
फिर इसको गोल कर लें। देखिए जी परफेक्ट बना है जी, मैंने सारे बना लिए हैं। अभी इनको चाशनी में डालते हैं। जब इनको डालना है तो पानी उबलता होना चाहिए। आपकी जो चाशनी है उसको आपने मीडियम टू हाई रखना है, इसको लो पे नहीं करना। इसको एक एक करके डालना है, बबल्स आते रहने चाहिए ऐसे। अभी हम 2 मिनट के लिए इसको ओपन में पकाएंगे, फिर इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ और 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। 7 मिनट हो गए हैं, अभी हम देख रहे हैं कि कोई टूटा तो नहीं है। ये देखिए फूल के जो कितने बड़े हो गए हैं। हमने इनकी साइड पलट देनी है। हमने दोबारा से इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए दोबारा पकाना है। 8 मिनट हो गए हैं, अभी मैं देख रही हूँ इसको बिल्कुल पक चुके हैं, कोई भी इनसे टूटा नहीं है। इसी चाशनी में हमने रसगुल्लों को ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पे। देखिए जी ठंडे हो चुके हैं, अभी मैं आपको एक दिखा रही हूँ। देखिए ये कितने स्पंजी बने हैं। आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।